हरिद्वार महाकुंभ में सभी 13 अखाड़ों के धर्म ध्वजाओं का चयन शुरू हो गया है और सन्यासी, वैरागी और निर्मल संप्रदाय के सभी 13 अखाड़ों में धर्म ध्वजा का विशेष महत्व होता है। कुंभ के दौरान अखाड़े अपने सभी धार्मिक कार्य इन्हीं धर्म ध्वजाओं के नीचे संपन्न करते हैं और धर्म ध्वजाओं से ही कुंभ क्षेत्र में अखाड़ों की पहचान होती है। इस बार भी कुंभ से पहले ही उत्तराखंड में किस स्थान से इन धर्म ध्वजा के ध्वज डंडों को लेकर आना है, इसके लिए वन विभाग और मेला प्रशासन अभी से तैयारियों में जुट गया है। हमारे जितने भी अखाड़े हैं वो धर्म ध्वजा चयनित करते हैं। पिछले कुंभ में भी वो सभी अखाड़े जो है, जो हमारा छिद्र वाला जंगल क्षेत्र पड़ता है वहाँ सारे अखाड़े गए थे, वहाँ पे उनके द्वारा अपना अपनी अपनी धर्म ध्वजा का चयन किया गया था। एक तो वो बिल्कुल सीधी हो, उसमें कोई गांठ ना हो, वो बिल्कुल की क्वालिटी बिल्कुल अच्छी हो। हर अखाड़ा अपनी अपनी जो है पसंद से जो है अपना वो वृक्ष तय करता है, इसको वहाँ से कटवा के जो है वो अपनी अपनी छावनी में खड़ा करता है। उसके बाद उनके जो सारे क्रियाकलाप जो हैं वो प्रारंभ होते हैं उसी धर्म ध्वजा के नीचे। तिथि, वार और कास्ट के, लकड़ी किसकी होगी, लकड़ी में गांठ कितने होंगे और बांस कितने गांठ की होंगी, क्योंकि उस पर जो ध्वजा होती है वो लकड़ी में नहीं बांस में लगाई जाती है। ध्वजा बड़ा रहे उसके लिए लकड़ी की स्थापना की जाती है। कास्ट, क्योंकि बिना कास्ट का जीवन यापन करना किसी के लिए संभव नहीं है, इसलिए ध्वजा में कास्ट अत्यंत आवश्यक होता है। लेकिन बांस के बिना ध्वजा स्थापित नहीं हो सकती है।